मैं हदीस बहुत लंबी है, मफहूम बयान करता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ऐसी मजलिसों में आता है अल्लाह ऐसे लोगों को सबको माफ फरमा देता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस है और हमारे इकराम आपको सुनाने के लिए बड़ी दूर से तशरीफ फरमा है। इन हिमाल के साथ, इस्तिग़रा के साथ, महवियत के साथ, पूरी दिलजमी के साथ और हमारे इकराम के खुताबात को समाप्त फरमाए। तो अभी आपके सामने मोहतरम जनाब कारी इनाम अली अबस साहब वो तशरीफ लाते हैं और मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। मोहतरम जनाब कारी इनाम अली अबस साहब रहमतुल्लाहि व बरकात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जेड़े जेड़े बेदार बैठे हो ना वो सलाम का जवाब दे आ जे, बाकी ना दे आ जे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलातु व सलाम अला मन ला नबी बादा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يا إلهي جب تک میری بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میری لب پہ تیرا قرآن رہے جیویں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں भावे जिन्ना भी ताकतवर होवे कोई उदे हुक्म अगे खंगदा नहीं ते गले नाल भरे ने गोदाम किधरे गले नाल भरे ने गोदाम किधरे ते किते खान नू आटा डंगदा नहीं ओ यारो रब जैसा हाँ 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 रब जैसा
और लोगों रब जैसा सखी होर खेड़ा और जेड़ा दे जांदे कदी मंगदा नहीं। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह जल्ल शानहू दी ज़ात अक़दस वास्ते है। दरूद व सलाम आकाए कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम आज़म इमाम कायनात सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम दी ज़ात अक़दस अतहर आला और वाला वास्ते। हजरात मोहतरम, इस दुनिया कायनात अंदर रहने वाला हर शख्स इस बात का दावा कर दे कि मैं नबी पाक अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करना कर दियो कि कोई ना, ते बोलो फिर सारे माशाल्लाह प्यार कर दे हो ना, ते जे गुस्सा ना करो ते हाथ भी खड़े करो का माशाल्लाह जे जेड़े प्यार करते ने माशाल्लाह सारे ही करते ने यार। हर बंदा हर मुसलमान जेड़ा इस दुनिया कायनात अंदर वसद कहता मैं नबी पाक करे सलात व सलाम नाल प्यार करना हाँ। और ये उसूल है प्यार दा, मुहब्बत दा उसूल है। जेड़ा बंदा किसे नाल प्यार करता है ना, किसे बंदे नाल मुहब्बत करता है, वो बंदा हर वक्त यही चाहता है यार मैं जिद नाल प्यार करना ना ये बंदा हर वक्त मेरी अखा के सामने रहना चाहिए। क्यों भाई इवें गल मिसाल सुन लो, इत्थे आ मेरे नौजवान वीर बैठे ने पप्पू शप्पू माशाल्लाह ये ला लैन ना फोन ते व्हाट्सएप ते फेसबुक ते यारी ते मुहब्बत पा लैन ते फिर पता की हाल हुंदा, फिर चलते ने घंटे घंटे दे पैकेज घंटे घंटे दे पैकेज, सारा दिन कालां वॉइस मैसेज फिर टैपिंग और फिर रात नूं सबर नहीं आउंदा ते कहिंदा वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल करनी है, वीडियो ते गल करनी है। की पता लगा कि इहदा जिहदे नाल प्यार पाया है उहनूं हर वक्त अपने सामने रखना चाहुंदा है। इहदे दिल च ख्वाहिश यार मैं इहनूं वेखदा ही रवां मैं इहनूं वेख ही लवां, ते की ख्याल है नबी पाक नाल प्यार करदे हो कि नहीं करदे हो, ते नबी पाक नूं वेखना भी चाहते हो कि नहीं वेखना चाहते। माशाल्लाह बड़ी गल है, साडा प्यार है नबी पाक नाल, साडी मुहब्बत है नबी पाक नाल, साडी अकीदत है नबी पाक नाल। असी हर वक्त साडे दिल विच ख्वाहिश हुंदी है कि यार केड़ा वेला होए सानू महबूब दा दीदार हो जाए, सानू महबूब दी ज़ियारत हो जाए, ते नबी पाक सलातो सलाम दी ज़ियारत हो सकती है, हो सकती है ना, हो सकती है। चार सूरतां ने, चार सूरतां, चारां सूरतां दे अंदर नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दी ज़ियारत हो सकती है। पहले नंबर ते बंदा नबी पाक दा सहाबी होए, नबी पाक दा सहाबी होए ते बंदा नबी पाक दा दीदार कर सकता है। ये मौका साढ़े हथों गुजर चुकी है क्योंकि नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दुनिया तो तशरीफ ले जा चुके, सहाबा किराम ने नबी पाक दा दीदार कीता, ए साडे कोलों मौका साडे हथों निकल चुकिया है, सानू मौका मुयस्सर नहीं। अलबत्ता तीन मौके साडे कोले ऐसे मौजूद ने जिन मौकियां ते सानू नबी पाक सलातो सलाम दी ज़ियारत हो सकती है, सानू नबी पाक दा दीदार मिल सकदा है। वो तीन सूरतां केड़ियां ने, सब तो पहले नंबर ते ख्वाब अंदर महबूब दी ज़ियारत होना, ख्वाब अंदर नबी पाक ने सलातो सलाम नबी पाक ने सलातो सलाम दी ज़ियारत होना। और जानदे हो ए एडा बड़ा वसफ है, जिन्हों नबी पाक दा दीदार मिल जांदा है ओदी शान की है, ओदा मुकाम की है। नबी पाक ने सलातो सलाम ने फरमाया तू बाले मन रानी, फरमाया उस बंदे वास्ते रब दी जन्नत दी बशारत है जिन्हें मैं मुहम्मद दा मुखड़ा तकिया, जिन्हें मैं मुहम्मद दा मुखड़ा तकिया। और दूसरी रवायत अंदर फरमाया, फरमाया जड़ा बंदा हाल ते ईमान अंदर
मैं मुहम्मद दा बिदार कर लेगा, अल्लाह ओदे ते जहन्नम दी अग नू हराम कर छड़ेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस वास्ते चाहते हो ना नबी पाक दा दीदार? क्यों भाई बोलते नहीं जी यार, गुस्से हो मेरे नाल ते फिर बोलते नहीं। नबी पाक दा दीदार चाहते हो ना? माशाल्लाह तुसी नबी पाक दा दीदार चाहते हो। सानू ख्वाब अंदर नबी पाक दी ज़ियारत हो सकती है, और दूसरा मौका हौज़े कौसर ते नबी पाक दी ज़ियारत होना, तीसरा मौका जन्नत दे विच नबी पाक दा साथ भी मिलना, नबी पाक दा दीदार भी मिलना। ये तीन मौके साढ़े कोले मौजूद ने। आइए तवज्जो करना, गौर करना इन्हां तिन्हां मौकियां दे विचों। मैं जरा शुरू करना, जिन्ने क मौके बयान हो गए फिर खुताबा इकराम इंशाल्लाह तशरीफ ले आएंगे, उन्होंने बयान शुरू हो गए। मैं इंशाल्लाह तुहाडे सामने मुख्तसर वक्त अंदर मैं तुहाडे सामने यही दसना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन मौकियां ते दीदार हो सकता है, और वो किवें होएगा, वो किवें लभेगा। आइए सुनिए अल्लाह का कुरान। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारे नू ओदे उत्ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद आका दा नाम आए दरूद मोहब्बत नाल प्यार नाल अदब नाल ते इहतराम नाल पढ़ना ते सारियां पढ़ना जनाबे मुहम्मद। और नाम मोहम्मद सुन के लोगो ठंड सीने विच पैंदी है, नाम मोहम्मद सुन के लोगो ठंड सीने विच पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले आला पई कहंदी है। और दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले आला पई कहंदी है, मेरा आका सब तो आला सब तो शान सवाया है, जिसने जान दी बाजी लाके हर थां हक पहुंचाया है। चलदा जावे फरश ते वा आवाज फलक तक पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले आला पई कहंदी है। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ों बार दरूद पाक नबी पाक ने सलातो सलाम दी जाते पाक उत्ते वा मेरे पैगंबर दे कल्बे अतहर ते नाजल होण वाला वा माल की अर्जो समा दा कुरान बयान कर दे वा। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह वा فَتَبِعُونِي يُغْفِرْكُمُ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ। फरमाया कायनात दे लोगो चाहते हो अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करन लग जाए वा, चाहते हो अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करन लग जाए वा, चाहते हो अल्लाह तुहाडे नाल प्यार पा लवे वा, फिर तरीका क्या है वा? नबी पाक ने सलातो सलाम ने फरमाया वा, फरमाया कायनात दे लोगो अगर रब दा प्यार चाहते हो ते मैं मुहम्मद नाल प्यार पा लवो। फरमाया अगर चाहते हो रब नाल प्यार पाना ते फिर मैं मुहम्मद नाल प्यार पाओ। तुसी दुनिया ते मैं मुहम्मद नाल प्यार करोगे, तुसी दुनिया ते चलोगे आसमान दा रब अरशां ते बह के तुहाडे नाल प्यार करन वाला बन जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरात मोहतरम तवज्जो करना दरा गौर कर दे जाना वा ते फिर नबी पाक नाल प्यार पा लो, नबी पाक नाल मोहब्बत कर लो वा, ते नबी पाक नाल प्यार पाण दा फायदा की होएगा वा, फायदा की होएगा। अजकल लोग फायदा चाहते ने, कम वो करते ने जिदा फायदा हुंदा होए वा, नुकसान वाला कम ते साडे जनाब तक चंदर ही नहीं पैंदा वा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरात ते मोहतरम तवज्जो करना दरा गौर कर, थोड़ी जी को खोल दो यार, थोड़ी जी को
अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत मोहतरम फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। फरमाया कायनात दे लोगो अगर मैं मोहम्मद नाल प्यार पाओगे, नबी पाक नाल प्यार पाण दा माना की है, नबी पाक नाल प्यार करन दा माना की है, मैं तुहानू माना दसन लगा, जरा तवज्जो कर लेना। अल्लाहु अकबर लव नबी पाक नाल प्यार कर दियो के कोई ना, सारे बोलो हाथ खड़े करो जेड़े जेड़े नबी पाक नाल प्यार करते हैं यार, सारे माशा हाथ ले करो। मैं तुहानू हदीस सुनान लगा बड़ी प्यारी। अल्लाहु अकबर लव एक गल दा यार होर मैनू जवाब दे आ जे निकी जी, गुस्सा तो नहीं करोगे? कर दे तने यार, मैनू तुहाडे तो डर भी लगता यार, गुस्सा कर गए। इहनू की कहिंदे ने? सारे बोलो यार सुन्नत रसूल। की कहिंदे ने? सुन्नत रसूल। ते नबी पाक नाल प्यार भी कर दिओ, कर नमाज सुनो, फिर हदीस सुनो। अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाया बा मन अहब्बा सुन्नती व मन अहब्बा सुन्नती व मन अहब्बा सुन्नती व फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मैया फिल जन्ना व। हदीसे पाक हदीसे पाक नबी पाक दा फरमाने व ए नबूवत वाली जुबान विचो जनाब इरशाद निकलिया व। फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मैया फिल जन्ना व। फरमाया कायनात दे लोगो व जेड़ा बंदा मेरी सुन्नत नाल प्यार करदा है ओ इंजिए जिवें मैं मोहम्मद नाल प्यार करदा है। फरमाया कायनात तो सुन जरा तवज्जो करो। फरमाया कायनात दे लोगो जेड़ा मेरी सुन्नत नाल प्यार करदा है इंजिए जिवें मैं मोहम्मद नाल प्यार करदा है वा। हुण तुसी सारे पहले दावा कर चुके हो वा, असी सारे नबी पाक नाल मुहब्बत करने आ वा, हुण वेख लवो अपने गिरेबान अंदर झाक के वा किहड़ा बंदा नबी पाक नाल प्यार करदा है वा, किहदी मुहब्बत है नबी पाक नाल। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फरमाया मन अहब्बा सुन्नती जड़ा सुन्नत नाल प्यार करेगा उन्हें इनाम की मिलेगा। सुनो फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मैया फिल जन्ना व। फरमाया कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा मेरी सुन्नत नाल प्यार कर देव इंजिए जिवें मैं मुहम्मद नाल प्यार कर देव, ते जेड़ा मैं मुहम्मद नाल प्यार कर कल कयामत वाले दिन जन्नत अंदर अल्लाह ओनू मेरा साथ अता कर छड़ेगा। फरमाया जड़ा मेरे नाल प्यार करदा अल्लाह ओनू कयामत वाले दिन मेरा साथ अता कर छड़ेगा वा। अल्लाहु अकबर अल्लाह चाहते हो ना नबी पाक दा साथ, क्यों भी सारे चाहते हो ना माशाल्लाह नबी पाक दा साथ, ते मिलेगा किवें किवें मिलेगा वा। अल्लाहु अकबर अल्लाह वा आका दिया जिन्ने अपनाया सुनता, आका दिया जिन्ने अपनाया सुनता हो जन्नत बेचे आका दे नाल होवेगा। आका दियां जिन्ने अपनाया सुनता ओ जन्नत बिच आका दे ओ नाल होवेगा वा। साथ जिन्नू सोने दा नसीब हो गया ओ बड़ा उदा रुतबा कमाल होवेगा वा। सुन सुन्नत रसूल नाल प्यार कर ले सोनिया, ओए सुन्नत रसूल नाल प्यार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले। कौसर दा जाम तैनू मिले पीण नू, कौसर दा जाम तैनू मिले पीण नू, पिलाण वाला आमना दा लाल होवेगा।
आका दिया जिन्ने अपनाया सुनतां और जन्नत विच आका दे नाल होवेगा वा अल्लाह अकबर लावा। हजरात मोहतरम तवज्जो करना दरा गौर कर दे जाना वा। फरमाया कायनात दे लोगो वा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह वा फत्तबियूनी प्यार पाण दा माना है नबी पाक दी सुन्नत नाल प्यार करना वा नबी पाक इताअत करना वा। फरमाया जड़ा बंदा रब दी मोहब्बत चाहता मेरिया गल्लां मनन लग पवे वा मेरी सुन्नत नाल प्यार करन लग पवे वा मेरी सुन्नत नाल मोहब्बत करन लग पवे वा अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह जी पहला इनाम हो गया तुसी मोहब्बत करोगे वा ते दूसरा इनाम केड़ा दूसरा इनाम सुन लेना वा। फरमाया वा यगफिर लकुम जुनूबकुम फरमाया कायनात दे लोगो मैं तुहाडे गुनाहां नूं माफ कर देवांगा ते गुनाहां नूं किवें माफ करांगा वा। गफारा यगफिरू गफारा यगफिरू वा गफर दा माना गफर दा माना क्या है वा गफर उस टोए नूं कहिंदे ने उस गड़े नूं कहिंदे ने वा जिहदे करीब जनाब गंदगी दा ढेर लगा होवे वा ते बंदा जनाब गंदगी नूं चुक के वा ते उस गड़े दे विच पा देवे वा उस टोए दे विच पा देवे वा ते उत्तों मिट्टी पा देवे वा ताकि उस गंद दी बदबू भी ना आए वा। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगो वा जदों तुसी मेरे नबी दी सुन्नत नाल प्यार करन वाले बन जाओगे वा मैं आसमाना ते बैठ के वा तुहाडे नाल प्यार भी करांगा वा और तुहाडे गुनाहां नूं वा एक जनाब गड़े विच पा के वा उत्तों मट्टी पा के वा बंद कर देवांगा तुहानूं गुनाहां दी कदी बदबू भी नहीं आण देवांगा। फरमाया कदी गुनामा दी बदबू भी नहीं आन देवांगा शर्त है मेरे महबूब दी ताबेदारी करके दे वखा। अल्लाह अकबर ला अल्लाह अकबर ला। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा एक यार नबी पाक कोल आया है ते आके कहिंदा ऐ अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैं एक ताजर आदमी हां तिजारत करन वाला कारोबार करन वाला वा मैं एक ताजर आदमी आ वा ते मेरे नौकर गुलाम भी ने मैं अपने काम कारोबार अंदर मसरूफ होना वाव ते जदों मैनू कोई परेशानी आती है मैनू जदों भी कोई दुख आंदा वा ते मैं चल पैना वा मैं निकल पैना वा अपने घर दे विचों वा काम कारोबार छड़ देना वाव बीवी बच्चे छड़ देना वाव आके तुहाडे चेहरे दा दीदार कर लैना वा रब सारियां परेशानियां ही मुका छड़ देने। फरमाया तुहाडे चेहरे दा आके दीदार कर लैना रब परेशानियां ही मुका छड़ देने। मैं गल कर रहा नबी पाक दा दीदार चाहते हो ना माशाला सारियां नूं मिलेगा इंशाला जन्नत अंदर। शरत है नबी पाक दी सुन्नत नाल प्यार करन वाले बड़ो। अल्लाह अकबर लाव। फरमाया महबूब जी जदों तुहाडे चेहरे दा दीदार करना वावा रब परेशानियां ही मुका छड़दा वा। लेकिन महबूब जी मैनूं एक गल ने बड़ा परेशान कीता वा। फरमाया बोल सुनिया केड़ी गल है वा। फरमाया जकर तू मौती व मौता का वा जकर तू मौती व मौता का वा। फरमाया ऐ अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैं जदों सोचना वा अपनी मौत दे बारे वा जदों सोचना वा तुहाडी मौत दे बारे वा तुसीं भी दुनिया तो चले जाओगे वा मैं भी दुनिया तो चले जावांगा ते नबी पाक ने की कहना चाहिदा सी नबी पाक नूं वा ऐ जिहड़ा आपदी गल ए सोचिया कर साडी मौत दे बारे सोचना छड़ दे। इंज आख्या नहीं किवें आख्या अल्लाह अकबर लफर मैं जकर तू मौती व मौता का वा ऐ अल्लाह दे महबूब पैगंबर आपकी मौत दे बारे सोचना वा ते तुहाडी मौत दे बारे वा तुसी भी दुनिया तो चले जाओगे वा मैं भी दुनिया तो चला जावांगा वा अल्लाह अकबर लावा। लेकिन अल्लाह दे महबूब पैगंबर तुसी भी जन्नत अंदर होवोगे वा मैं भी जन्नत अंदर होवांगा वा तुसी ते जन्नत बाला खानिया दे अंदर अल्लाह दे नबियां दे नाल होवोगे वा मेरा ते मुकाम नहीं होएगा वा मेरा ते नबियां वाला मुकाम नहीं होएगा वा। मैनू ए दसो नाम अगर जन्नत अंदर मेरा तुहाडे दीदार नू दिल कर पिया मैनू दसो नाम मैं जन्नत अंदर केड़े पासे जावांगा। फरमाया अगर जन्नत तुहाडे दीदार नू दिल कर पिया महबूब जी उत्थे की करांगा।
अल्लाह अकबर तड़प वेखो सियाबी दी कहंदा महबूब जी जन्नत भी ओ चाहिदी है जिस जन्नत अंदर महबूब दा दीदार मिलदा रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरात मोहतरम तवज्जो करना दरा गौर कर दे जाना व नबी पाक ने सलातो सलाम ने हजे कोई जवाब इरशाद नहीं फरमाया वा हजे सहाबी दी जुबान ते जुमले ने वा हजे सहाबी गल जनाब दौरांदा पिया ते कहंदा पिया वा नबी पाक ने कोई जवाब नहीं दिता वा आसमाना तो अल्लाह रब इज्जत ने जबरील अमीन नु भेजिया वा और कुराने पाक नादल कीता कुराने पाक नादल कीता वा अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर फरमाया वा मई उते अल्लाह الرسول فاولائك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا فرمایا اے محبوب پیغمبر اس اپنے صحابی نو دس دیو اے دا تڑپنا وا ख्वाहिश करना वा रब्बे कायनात नू इना पसंद आया वा रब्बे कायनात ने वा कयामत दियां कंधा तक कानून बना दिता वा इनू दस दियो वा अज तो बाद जड़ा बंदा वा इतात करेगा अल्लाह दी वा और मुहम्मद रसूलुल्लाह दी वा इनू दस दियो वा जड़ा बंदा इतात करेगा अल्लाह दी वा और मुहम्मद रसूलुल्लाह दी एते एक नबी दा दीदार चांदैव एते एक नबी दे दीदार नु तरसदैव एनू दस दियो व मैं सारे शहीदां दा साथ अता करांगा व सारे सालहीन दा साथ अता करांगा व सिद्दीकीन दा साथ अता करांगा व इमाम उलंबिया तो लैके व जद उलंबिया तो लैके व इमाम उलंबिया तक सारे नबियां दा साथ अता कर छडांगा। फरमाया इनू दस दियो जेड़ा बंदा अज तो बाद दात करेगा मुहम्मद रसूलुल्लाह दी लिख लवे रब कायनात दा कयामत दिया कंधा तक कानून है जेड़ा बंदा गल मनेगा नबी पाक दी मेरे पैगंबर दी एते एक नबी दा साथ चांदा है मैं सैयदना आदम तो लग के इमाम अलंबिया तक सारे नबियां दा साथ अदा कर छड़ांगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरात मोहतरम ये पहला मौका है जिथे सानू नबी पाक दा दीदार मिलना है जिथे नबी पाक ने सलात सलाम दा सानू दीदार मिलना है जिथे नबी पाक दी असी ज़ियारत करनी है ओ होनी है जन्नत अंदर। किथे होनी है? जन्नत अंदर। ते जन्नत ओनू लभनी है जेड़ा नबी पाक दी गल मनदा होया नबी पाक दी सुन्नत नाल प्यार करदा होया नबी पाक दी जनाब सुन्नत नाल मुहब्बत पाई होई दुनिया ते और दुनिया तो गया ते नबी पाक दी सुन्नत नु अपने चेहरे ते सजा के लेके गया ओनू फरिश्तियां वेख के कहना है यार पैगंबर दा उम्मती लगदा है पैगंबर दी निशानी नाल लेके आया है पैगंबर दी सुन्नत नु नाल लेके आया है इनू जान दियो जन्नत अंदर। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरात मोहतरम तवज्जो करना दरा गौर कर दे जाना वा जन्नत अंदर नबी पाक ने सलातो सलाम दा दीदार मिलेगा वा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते फिर मैं मोहब्बत दा जुमला बोल जावा मेरे चाचू जानकारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद फिजाउल्लाह बड़े प्यारे अंदाज अंदर पढ़िया कर देने वा जे करना दीदार मदीने वाले दा उच्ची आखो सुभान अल्लाह। और जे करना दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दा जे करना दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दा वा ओ तेरे हज नमाज़ा वा ए रोजे बंदिया किस कारे तेरे हज नमाज़ा वा ए रोजे बंदिया किस कारे
जे नहीं तरीका कार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दावा। अल्लाहु अकबर लावा। हजरात मोहतरम तवज्जो करना दरा गौर कर दे जाना वा, ये पहला मौका हो गया, पहला मौका वा जिथे नबी पाक दा दीदार मिलेगा वा, जिथे नबी पाक दा दीदार मिलेगा जन्नत अंदर, जन्नत नबी पाक दा साथ भी मिलेगा वा, जन्नत अंदर नबी पाक दा दीदार भी मिलेगा। शरत शरत एक है कि नबी पाक दी ताबेदारी होएवा, नबी पाक दी सुन्नत अमल होएवा। अल्लाहु अकबर लावा। और दूसरा मौका सुनना, दूसरा मौका वा ख्वाब अंदर भी नबी पाक दी ज़ियारत हो सकती है वा, ख्वाब अंदर भी नबी पाक दी ज़ियारत हो सकती है वा। नबी पाक ने सलातो सलाम ने फरमाया, फरमाया जड़ा बंदा वा ख्वाब अंदर मेरा दीदार करे, ख्वाब अंदर मेरी शकल नजर आए वा, मेरा चेहरा नजर आए वा, उस बंदे नु यकीन कर लेना चाहिदा है कि ओनू मैं मुहम्मद दा ही दीदार होया है वा, क्योंकि शैतान मेरी शकल अंदर नहीं जा सकता वा। अल्लाहु अकबर लावा। नबी पाक ले सलातो सलाम ने फरमाया कायनात दे लोगो वा, मैं दुनिया तो जाता पिया वा, मैं अल्लाह का आखिरी नबी आ वा, अना खातम नबी ना ला नबी आबादी वा, पर मैं अल्लाह का आखिरी नबी आ वा, मेरे तो बाद कोई जनाब कोई नबी नहीं आएगा वा। अलबत्ता मुबशरात जारी रहनगियाँ, सही बुखारी अंदर आंदा है, अलबत्ता मुबशरात जारी रहनगियाँ वा। तो सहाबा इकराम ने सवाल किया अल्लाह के महबूब पैगंबर, मल मुबशरात या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे महबूब पैगंबर मुबशरात किनू किया जांदा है, मुबशरात क्या है वा। फरमाया कायनात दे लोगो वा, दुनिया ते बंदे नू चंगा ख्वाब बनाए अल्लाह दी तरफों खुशखबरी है वा, ए मुबशरात ने वा, ए खुशखबरियां ने वा। और इस तो वध के चंगा ख्वाब केड़ा हो सकदा है, ख्वाब अंदर नबी पाक दी ज़ियारत हो जाए, ख्वाब अंदर नबी पाक दी ज़ियारत हो जाए, इस तो वध के बंदे दी शान की हो सकती है, इस तो वध के आला ख्वाब केड़ा हो सकता है। सैयदना हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नो फरमा कर दे सन कायनात दे लोगो, नबी पाक दे दुनिया तो जान तो बाद, नबी पाक दे दुनिया तो जान तो बाद कोई रात ऐसी मेरी जिंदगी दे अंदर काटी आई होएगी, जिस रात अंदर महबूब दी ख्वाब अंदर ज़ियारत ना होई होवे। फरमाया ऐसी रात काटी आई है जिस दिन मेनु ख्वाब ना आया होए ते महबूब दी ज़ियारत ना होई होए। रोजाना नबी पाक दी ख्वाब अंदर ज़ियारत होया करदी सी, रोजाना ख्वाब अंदर नबी पाक दा दीदार मिलिया करदा सी। ए दीदार किवें मिलदा सी, ए दीदार किवें मिलदा सी, सारा दिन नबी पाक नु याद करदियां करदियां सौ जाना, सारा दिन नबी पाक दी मुहब्बत दियां गल्लां करदियां करदियां सौ जाना, सारा दिन नबी पाक ने सलातो सलाम दी जनाब नबी पाक दियां हदीसां पढ़दियां पढ़दियां सौ जाना, नबी पाक ते दरूद पढ़दियां पढ़दियां सौ जाना। ए हो ही नहीं सकदा बंदा नबी पाक नाल प्यार करदा होए और नबी पाक ते दरूद भी पढ़दा होए, नबी पाक दा दिन रात ख्याल दिल अंदर रखदा होए, ओनू नबी पाक दी ख्वाब अंदर ज़ियारत ना होए, ए नहीं हो सकदा। ते जे बंदा व्हाट्सएप चलांदा ते फेसबुक चलांदा ते यूट्यूब चलांदा ते जनाब मुजरे वेखदा और फिल्मा वेखदा सौ जावे ते ख्वाब विच सप्पां ते घोड़ियां नहीं डराना है, ख्वाब अंदर घोड़ियां नहीं डराना है। फिर फोन आंदा जी कारी साहब मैनू रात मेरे मगर सप लग गया, फिल्मा वेख के उदा तो सप ही लगना से। कारी साहब राती ख्वाब अंदर मेरे मगर घोड़ा लग गया, राती फिल्मा ड्रामे वेख के सोना ते अल्लाह दे बंदिया घोड़े ही तेरे मगर लगने ने, खोते ही लगने ने। अगर रात नू सौन लगिया अजकार करके और आयतुल कुर्सी पढ़ के, सौन दी दुआ पढ़ के, नमाज इशा पढ़ के जदों सोएगा तो फिर ख्वाब अंदर मुबशरात ही मिलनगियाँ, ख्वाब अंदर खुशखबरियाँ ही मिलनगियाँ। अल्लाहु अकबर लाव।
हजरात मोहतरम तवज्जो करना दरा गौर कर दे जाना वा अल्लाहु अकबर अल्लाह हजरात मोहतरम ओ किड्डे चंगे लोग सन ओ किड्डे आला लोग सन सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाईन दिने भी नबी पाक दी ज़ियारत करया कर दे सन रात नू भी नबी पाक दी ज़ियारत करया कर दे सन दिने भी नबी पाक दिया ज़ियारत रात नू भी नबी पाक दिया ज़ियारत फजर पढ़नाए ते फिर ज़ियारत वा जनाब जोर पढ़नाए ते फिर नबी पाक दिया ज़ियारत वा जनाब असर पढ़नाए ते फिर दीदार मगरब दे वक्त फिर दीदार ईशा दे वक्त फिर दीदार इंज करके अबू बकर जी आ जाओ कुछ गल करनी है मीटिंग करनी है फिर दीदार अल्लाहु अकबर अल्लाह हजरात मोहतरम तवज्जो करना दरा गौर कर दे जाना वा ते फिर मैं मुहब्बत का जुमला बोला ना ते मेरा दिल करदा मैं अगे ना जावा वा अल्लाहु अकबर अल्लाह जनाब अबू बकर की गल आ गई है वा ते मैं आख्या मुहब्बत का जुमला सुना के जावा वा अल्लाहु अकबर अल्लाह ओ मनो ता गल मेरी सारी सच्ची सारी सच्ची ओ गल सारी सच्ची मनो ता गल मेरी सारी सच्ची सारी सच्ची ओ गल सारी सच्ची सारे सहाबा विचों सारे सहाबा विचों उच्चिया नवाबा विचों सारे सहाबा विचों उच्चिया नवाबा विचों ऐसा दे बाबे दी सरदारी सच्ची ਹਾਏ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਏ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਏ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਖੈਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਖੈਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਖੈਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਾਂਦਾ मनो ता गल मेरी सारी सच्ची सारी सच्ची ओ गल सारी सच्ची सारे सखाबा विचों उच्चिया नवाबा विचों ऐसा दे बाबे दी सरदारी सच्ची मनो ता गल मेरी सारी सच्ची वा अल्लाहु अकबर अल्लाह वा हजरात मोहतरम तवज्जो करना दरा गौर कर दे जाना किनिया सूरतां हो गईयां नबी पाक दे दीदार दियां किनिया सूरतां भुल गए हो किनिया दो हो गईयां पहले नंबर ते ख्वाब अंदर नबी पाक दी ज़ियारत होएगी दूसरे नंबर ते जन्नत दे विच नबी पाक दा दीदार भी मिलेगा नबी पाक दा साथ भी मिलेगा शरत है कि नबी पाक दा ताबेदार बनना पेगा नबी पाक दिया सुनता नाल प्यार करना पेगा नबी पाक दिया गल्ला मननिया पैणगियां अल्लाहु अकबर अल्लाह वा हजरात मोहतरम तवज्जो करना दरा गौर कर दे जाना वा अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान दा एक मुकाम है वा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल फरमाया ऐ कायनात दे लोगो मोमिनो ईमान वाले हो इताअत करो अल्लाह दी और अल्लाह दे रसूल दी वा अल्लाह जी तुहाडी इताअत फरमाया हाँ मेरी इताअत करनी है वा अल्लाह जी तुहाडी इताअत क्यों करनी है की वजह वा अल्लाहु अकबर अल्लाह वा अल्लाह फरमांदे ने ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह दी गल तां मननी है अल्लाह दी गल अंदर किसे किस्म दा शक नहीं हो सकदा वा वा मन असदकु मिन अल्लाही कीला अल्लाह दी बात तो वद के सच्ची बात भी नहीं हो सकदी वा अल्लाह दी गल तां मननी है वा अल्लाह जी तुहाडी गल मननी है वा क्योंकि तुहाडी गल दे अंदर शक नहीं हो सकदा वा तुहाडी गल तो वद के सच्ची किसे दी गल नहीं हो सकदी वा अल्लाह जी ए ते गल समझ अंदर आ गई वा अल्लाह
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਾਤ ਫਰਮਾ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਵੀ ਇਤਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਵਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਤ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਵਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਖਤੀਬਾ ਤੇ ਬਾਇਜ਼ਾ ਵਾ ਪੜ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਵਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਯੁਤੀ ਰਸੂਲਾ ਵਾ ਮੈਂ ਯੁਤੀ ਰਸੂਲਾ ਫਕਤ ਅਤਾ ਅੱਲਾ ਵਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕਰ ਲਈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਹਦੀਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ ਹਮ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਲੇਂਗੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨੱਜ਼ਲ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹੈ ਹਮ ਹਦੀਸ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਮਾਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਆਏ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲਿਆ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆਏ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਦੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਚੋਂ ਹਦੀਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਮੁਨੱਜ਼ਲ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਹੈ ਹਦੀਸ ਵੀ ਮੁਨੱਜ਼ਲ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਲਾ ਰੈਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਲਾ ਰੈਬ ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਹਤਰਮ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਲਮਾ ਕਿਰਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਣਗੇ ਵਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਹਨੇਰਾ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਟ ਬਾਲੋ ਯਾਰ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਵਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਖੁਤਬਾ ਏ ਹਜਾਤੁਲ ਵਿਦਾ ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਾ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਖੁਜ਼ੂ ਅੰਨੀ ਮਨਾਸੀਕਾ ਕੋਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁੱਖ ਸਿੱਖ ਲਓ ਲਾਲੀ ਲਾ ਅਰਾਕੁਮ ਬਾਦਾ ਆਮੀ ਹਾਦਾ ਵਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਹੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਵਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਵਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਜੁਮਲਾ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਵਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਜਨਾਬ
मैं तुहाडा इंतजार हौदे कौसर ते करांगा वा, तुहाडा इंतजार हौदे कौसर ते करांगा वा, हौदे कौसर ते जनाब बर्तन लगवा रखांगा वा, बर्तन सजवा रखांगा वा, दस्तरखान जनाब बर्तना दे लगे होणगे वा, इंज जनाब बर्तन होणगे जिवें आसमाना ते सितारे ने वा, इंज जनाब तदाद अंदर जनाब होणगे वा, जनाब बर्तन ते नबी पाक ने सलातो सलाम ने फरमाया फरमाया मेरे सहाबा वा मैं हौदे कौसर ते तुहाडा इंतजार करांगा वा, हौदे कौसर ते तुहाडा इंतजार करांगा, फला तुसफिदू वजही वा, फला तुसफिदू वजही वा, फला तुसफिदू वजही वा, हजरात मोहतरम तवज्जो करना मेरे वाल, मेरे वाल तवज्जो मेरे वाल, फरमाया फला तुसफिदू वजही वा, हदीस दे लफ्ज ने नबी पाक ने सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया वा, फरमाया फला तुसफिदू वजही वा, ऐ मेरे सहाबा वा, ऐ कायनात दे लोगो वा, मैं कौदे कौसर ते बैठा वा, तुहाडा इंतजार करदा होवांगा, ओ ना होवे वा, फला तुसफिदू वजही वा, अगर मैं दा लफ्जी तर्जुमा करां वा, इहदा लफ्जी तर्जुमा करां वा, पूरे इलाके अंदर अग लग जाए वा, लोग कहणगे गुस्ताखी हो गई, गुस्ताखी हो गई वा, मैं दा मफहूमी माना बयान करन लगा वा, फरमाया ऐ मेरे सहाबा वा, ऐ कायनात दे लोगो वा, मैं हौदे कौसर ते बर्तन लगवा के रखांगा वा, बर्तन सजवा के रखांगा वा, ऐ मेरे सहाबा वा, ऐ लोगो वा, मैं उत्थे बैठा तुहाडा इंतजार करदा खोवांगा, ओ ना खोवे वा, मैं मुहम्मद उत्थे बैठा इंतजार करदा रवां ते तुसीं आओ ही कोई ना, फरमाया ओ ना होए, मैं तुहाडा उत्थे बैठा इंतजार ही करदा रवां ते तुसीं आओ ही कोई ना, तुहाडे विच्चों कोई आए ही ना, फला तुसफिदू वजही, फला तुसफिदू वजही, फरमाया ओए लोगो, मैं उत्थे बैठा तुहाडा इंतजार करांगा, मेरी उत्थे बेइज्जती ना करवा दे अजे, ओ ना होए, मैं उत्थे बैठा तुहाडा इंतजार करदा रवां, तुहाडा इंतजार करदा रवां, ते तुसीं आओ ही कोई ना, मैं मुहम्मद तुहाडा राह ही तकदा फिरां, माशाल्लाह, खतीब पाकिस्तान अब्दुर्रऊफ हकानी साहब माशाल्लाह तशरीफ ले आ चुके ने, हुण इंशाअल्लाह इहनां दा बयान होएगा, हज़रात मोहतरम हदीस दे आखिरी जुमले सुनो, फरमाया मेरे सहाबा ओ ना होए, मैं उत्थे बैठा तुहाडा हौदे कौसर ते इंतजार करदा रवां, फला तुसफिदू वजही, ओ ना होए, मैं बैठा इंतजार ही करदा रवां, तुहाडे विचों कोई आए ही ना, आपदे गुनाहां दी पकड़ अंदर आके रब दी जहन्नम अंदर चला जाए, ओ ना होए, मैं बैठा इंतजार करदा रवां, और मैं हदीसे पाक अंदर पढ़े आए नबी पाक ने सलातो सलाम आया, मैं अपने उम्मती नूं लैके आवांगा, आ मेरा उम्मती पानी पी, फरिश्ता मेरे हाथ दे विचों इनू पकड़ के ले जाएगा और कहेगा, मैं दे कोल पुछांगा, ओए मेरा उम्मती इनू किधर लैके जांदा पिया है, फरिश्ता कहेगा ऐ प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहानू नहीं पता तुहाडे जान तो बाद इन्होंने तुहाडे दीन विच की तब्दीलियां कर दित्तियां, तुसी नहीं जानदे इन्होंने तुहाडे जान तो बाद तुहाडे दीन विच खराफात पैदा कर दिते, इख्तलाफात पैदा कर दिते, तब्दीलियां पैदा कर दित्तियां, नबी पाक फरमाणगे सोहकन लिमन गैर आबादी, फरमाया नूं लै जाओ जिन्हें मेरे जान तो बाद मेरे दीन विच खराबियां पैदा कीतियां, मेरी सुन्नत ते अमल न कीता, मेरी सुन्नत नूं छड़ दिता, मेरी सुन्नत नूं बिगाड़ दिता, मेरी सुन्नत दा जनाब कतल कीता, इनू ले जाओ सोह कन लिमन गैर आबादी, मैं ऐसे बंदे नूं मैं मुहम्मद वेखना ही गवारा नहीं करदा, मैं वेखना ही गवारा नहीं करदा, जिहड़ा मेरे दीन नूं बिगाड़ देवे। नबी पाक नाल सारे प्यार कर दे हो ना, क्यों भाई बोलो यार, ओ यार बत्ती गई है तुहाडी तो नहीं गई, बोल दे नहीं जे, फिर नबी पाक नाल प्यार कर दे हो ना, माशाल्लाह सारे ही करते ने माशाल्लाह, ते नबी पाक दा दीदार भी करना चाहते हो ना, नबी पाक दा दीदार भी करना चाहते ने, एक बंदा एहो जा, एक बंदा एहो जा जिन्हों नबी पाक वेखना ही नहीं चाहते, वह किहड़ा है, सुन लो मैं एक दो मिनट अंदर गल मुकावां, अल्लाहु अकबर, नबी पाक ने सलातो सलाम तशरीफ फरमा ने अपने घर अंदर दरवाजा खटखटाया गया वा, नबी पाक ने सलातो सलाम बाहर आए वा, अगों सहाबी आया अल्लाह दे महबूब पैगंबर
ईरान दे बादशाह ने फौजी कले ने तुहानू मिलने वास्ते आए ने वा आ जाओ मुलाकात कर लो तोहफे लैके तुहाडे नाल मुलाकात करने वास्ते आए ने वा ते नबी पाक सलातो सलाम आए वा ते नबी पाक सलातो सलाम ने वेखिया वा नबी पाक ने वेखिया ए खड़े ने मस्जिद नबी दे अंदर ते नबी पाक ने वेख के चेहरा ही परा कर लिया व नबी पाक ने वेख के व चेहरा ही फेर लिया नबी पाक ने वेख के चेहरा परा कर लिया व नबी पाक ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया व ते सियापी कह लगा अल्लाह दे महबूब पैगंबर ए ते मिलन ही तुहानू आए ने व तुसी वेख के चेहरा मोड़ लिया है व की वजह बनी है व फरमाया गल सुन अब गल सुन जेड़ा होवे काफिर ते दाढ़ी मुड़वा के आए व मैं मुहम्मद ऐसे बंदे नू वेखना ही गवारा नहीं करदा व जेड़ा होवे काफिर ए ईरान दे ने ईरान दे बादशाह ने भेजे ने और ये मुसलमान भी नहीं ने दाढ़ी मुड़वा के आए ने मुछा वधा के आए ने जेड़ा काफिर दाढ़ी मुड़वा के आए मैं मुहम्मद ऐसे बंदे नू वेखना गवारा नहीं करदा। मेरे मोहतरम भाइयो मैं बड़ी मुहब्बत नाल बड़े प्यार नाल गुजारिश करना चाहवांगा इथों जदों दाढ़ी मुड़वा के तू बाहर निकले हमाम विचों अल्लाह ना करे तैनू उथे ही मौत आ जाए दाढ़ी मुड़ी होई लैके तू कबर विच जावे और मैदाने माशर विच जावे मैनू दस अगर तेरा नबी पाक नाल सामने टकराव हो जाए तो उथे केड़ा मुँह लैके जाएगा नबी पाक अगे नबी पाक दे सामने नबी पाक की मुलाकात हो जाए तैनू वेख के नबी पाक चेहरा फेर लैन मैनू दस तेरे पल्ले की रहेगा तेरे इमाम दे पल्ले की रहेगा तेनू वेख के नबी पाक अपना चेहरा ही फेर लैन। हजरात मोहतरम मौत दा कोई पता नहीं इत्थे बैठे आ जाए मस्जिद चो बाहर निकल लगे आ जाए लेकिन मरन लग्या मेरी गुजारिश मेरा मोहब्बत वाला पैगाम यह है मरन लग्या अपना चेहरा नबी पाक दे चेहरे वर्गा बना के जाया जे सुन्नत दा कतल करके ना जाया जे ताकि असी कबर विच जाइए हशर विच जाइए सानू वेख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूरों ही सीने नाल लगा लैन और सानू वेख के अपना दीदार करवा देन ए ना होए नबी पाक अपना चेहरा फेर लैन। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दे अंदर दुआ है मैं जो कुछ बयान कीता अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए हाजा मा कान इंदी वल्लाहु तबारक व तआला अलम बिस सवाब व आखिरु दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।